नमस्कार, मैं आज आपको बताऊंगी आपका राशिफल। राशिफल 12 राशियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जानिए आपकी राशि क्या कहती है, लेकिन राशिफल जानने के साथ साथ घबराने की जरूरत नहीं। हर रोज ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, मुस्कुराते रहिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है आज 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? प्रेमी जनों से सुख और संतोष मिल सकता है। घर परिवार और पुराने दोस्त ही आपके साथ ही रहेंगे। खुद के दम पर कोई खास काम निपटा लेंगे। आप अपने काम में पूरी तरह सफल रहेंगे। आज आप कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या सम्मान के बहुत नजदीक हैं और इसके लक्षण भी आपको महसूस होंगे। आज आप दूसरों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। नौकरी, निवास या कामकाज की जगहों में बदलाव होने के योग हैं। यात्रा भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र से जुड़े पुराने लोगों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। नेगेटिव, रिश्तों या बिजनेस के किसी चले आ रहे सौदे में बदलाव के बारे में कोई फैसला ना करें। कॉन्फिडेंस के बावजूद मन में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। हो सकता है आज बहुत से मामले में आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाए। अचानक धन हानि के भी योग हैं। आप अपने दोस्तों को लेकर भी संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों और साथियों से अनबन और तनाव के योग हैं। वाहन का उपयोग सावधानी से करें। आज आप किसी से मदद की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। क्या करें, घोड़े को घास खिलाएं। लव लाइफ, किसी को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं तो दे दें, सफलता मिलने के योग हैं। करियर, बिजनेस संबंधी कानूनी विवाद निपट सकते हैं। बिजनेस में छोटा मोटा फायदा हो सकता है। ग्लैमर जगत में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोई बड़ा रोग भी आपको परेशान कर सकता है। वृष राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप योजना बनाने और चिंतन करने के मूड में हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस से जुड़े कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो ले लें। आपको किस्मत का थोड़ा साथ मिल सकता है। कोई कंफ्यूजन भी खत्म होने की संभावना है। पैसों की स्थिति सुधारने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। किसी भी तरह की सौदेबाजी में आप सफल होंगे। कुछ पूर्वाभास भी हो सकते हैं। मन में एक साथ कई विचार आ सकते हैं। नेगेटिव, कामकाज में किसी तरह की रुकावट के कारण जल्द ही आपका मूड खराब हो सकता है। कामकाज में देरी होने से गुस्सा भी आएगा। कोई भी काम जिद में आकर बिल्कुल ना करें, नुकसान हो सकता है। पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। पार्टनरशिप के कामकाज में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें आएंगी। साथ काम करने वालों से मदद नहीं मिल पाएगी। सोचे हुए काम अधूरे रह सकते हैं। क्या करें, बड़ के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं। लव लाइफ, जीवन साथी से मदद नहीं मिलने के कारण परेशान होंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। करियर, स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बिजनेस में सफलता मिलने के योग हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, गले और सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है, सावधान रहें। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? दूसरों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप सफलता की दिशा में बढ़ते जाएंगे। आप किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब ठीक हो सकता है। रिश्तेदारी और पार्टनरशिप के मामले में लेकर आपके मन में किसी तरह की आशंका बनेगी। समय के साथ सब कुछ अपने आप साफ भी हो जाएगा। तब तक धैर्य रखें। लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए। आज आप कोई भी काम गंभीरता से करें। नेगेटिव, दोस्तों और भाइयों से मदद नहीं मिलने के कारण आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। आज आप अपने मन की बात किसी को बताने में परेशानी महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर मन ही मन आप घबरा सकते हैं। धन हानि के योग हैं। आप किसी विवाद में भी उलझ सकते हैं। मन में भरे फालतू डर से मुक्ति पाने की कोशिश करें। जो बदलाव हो रहा है उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लोग आपके विचारों से साफ असहमति भी जता सकते हैं। धन हानि के योग भी बन रहे हैं। किसी खास मामले को लेकर मन में भी उथल पुथल हो सकती है। क्या करें, घर या ऑफिस में पूजा करने की जगह पर सफाई करें। लव लाइफ, पार्टनर के साथ समय बीतेगा। लवर या लाइफ पार्टनर से प्रेम और सहयोग मिलेगा। करियर, कुछ मामलों में अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण आपका मूड भी खराब हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, विवाद भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक होगा। हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
पुराने रोग भी खत्म होंगे। कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? सोचे हुए कुछ काम पूरे होंगे। आज आप योजना बनाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आपको कोई नया काम करना पड़ेगा। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है। किसी भी समस्या को निपटाने की सोचे तो आपके लिए दिन अच्छा है। आपके मन में जो भी आशंका या संकोच है उसे छोड़ दें और जो काम हाथ में है उस पर ध्यान दें। आज कुछ रुकावटें दूसरों के प्रभाव या बिना कुछ किए भी खत्म होंगी। नए लोगों से संपर्क होगा और जो कार्य क्षेत्र में आपको मदद करेंगे। आप पर जिम्मेदारी ज्यादा हो सकती है। नेगेटिव, आज आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कामकाज में छुटपुट रुकावटें आएंगी। आपकी कुछ योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। दिमागी स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी पुराने मामले को लेकर टेंशन रहेगी। आज आपका पैसा भी उलझ सकता है। संतान संबंधी परेशानी हो सकती है। क्या करें, किसी पेड़ के नीचे गुड़ और चने रखें। लव लाइफ, पार्टनर ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। सोच समझ कर बोलें। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक हो सकती है। करियर, काम काज ज्यादा होने के कारण भी परेशान हो सकते हैं। जायदाद संबंधी समस्या का समाधान होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, सेहत अच्छी रहेगी, थकान भी दूर होगी। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो बाहर निकल जाएगा। जो कहना चाहते हैं वो कह दें। कुछ परेशानियां ऐसी आ सकती हैं जिन पर विचार करके देखेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। यारी दोस्ती में अचानक होने वाली बातचीत या फोन पर संपर्क के बाद आप खुश होंगे। इस प्रसन्नता में कोई ना कोई चुनौती या अवसर भी आपको मिल सकता है। पैसों के क्षेत्र में थोड़ी गोपनीयता भी रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव, सावधान रहें, सोच समझकर बातचीत करें। अनाप शनाप ना बोलें वरना परेशान होंगे। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप परेशान होंगे। स्वभाव में उग्रता हो सकती है, कलेश भी होगा। मन में चल रहे शक और चिंताओं पर ध्यान दें। ससुराल पक्ष के कारण आप समस्या भी महसूस कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी चोट लगने के भी योग हैं। बड़ा फैसला करने से बचें। क्या करें, मिट्टी के दीपक में चावल का पानी और एक बूंद घी डालकर घर के बाहर रख दें। लव लाइफ, अपने जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर चिड़चिड़ा हो सकता है। आज आप पार्टनर के मूड को समझने की कोशिश करें और सोच समझ कर ही कोई बात बोलें। करियर, बिजनेस में सफलता मिलेगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। आपको सहयोग मिल सकता है। आप आगे बढ़ेंगे। हेल्थ, रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं। कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आपका पूरा ध्यान कार्य क्षेत्र में सुधार करने पर हो सकता है। कामकाज के बजाय काम के तरीकों पर ध्यान देने की कोशिश करें। पैसों से जुड़े खास काम भी पूरे होंगे। अचानक कोई अच्छी योजना बन सकती है या सामने आ जाएगी जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। साथियों के साथ फोन पर या सामने किसी खास मामले पर बातचीत होने के योग हैं। आप अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर करेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। नेगेटिव, हल्की बेचैनी या झुंझलाहट हो सकती है। काफी फालतू समय खर्च हो सकता है। आप किसी बड़े फैसले के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं तो उसे टाल दें। उसके लिए सही समय बाद में आएगा। नौकरी या मकान बदलना चाहते हैं तो भी कोई फैसला ना करें। जो नई योजना दिमाग में है उस पर काम करना शुरू कर दें। क्या करें, पलंग के एक कोने पर हरा धागा बांध दें। लव लाइफ, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। प्रेम में सफलता मिलने के योग हैं। करियर, कारोबार संबंधी नए फैसले ना लें। प्रोफेशनल लाइफ में संभल कर रहें। दुश्मनों के प्रति सावधान रहें। ग्लैमर से जुड़े लोग इस सप्ताह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ, पेट दर्द के योग बन रहे हैं। भोजन संबंधी काम सावधानी से करें। तुला राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आपके दिमाग में कोई जबरदस्त योजना चल रही है तो उस पर काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। भाई और दोस्तों की मदद से दिन बन जाएगा। आपको बहुत कुछ रोचक जानकारी मिल सकती है।
कोई बड़ा कदम उठाने के पहले अच्छे से अनुमान लगा लें। पैसा निवेश करने के पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें कि आप जहां निवेश कर रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है। ऑफिस में उत्साहजनक स्थिति बन सकती है, कामकाज में आपका मन लगेगा, आसपास किसी स्थान की यात्रा होने के भी योग है। रोजमर्रा के कामों में बुजुर्गों की मदद करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। पुराने दोस्ती आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं। उधार दिया गया पैसा या वस्तु आपको मिल सकती है। नेगेटिव, कुछ स्थितियां आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। अधूरी सूचना पर की गई कार्यवाही आपको ही परेशान कर सकती है। माता पिता पर गुस्सा फालतू ना करें, वरना आने वाले दिनों में आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आज जोश में आकर बिना मांगे सलाह देने से भी परेशानी में फंस सकते हैं। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी कोई राज की बात भी उजागर हो सकती है। सेविंग खत्म हो सकती है, धन आने के योग भी बन सकते हैं। तुला राशि वालों को संभल कर रहना होगा। क्या करें, ऑफिस या घर में पोछा लगाकर गीला कपड़ा फेंक दें। लव लाइफ, पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ लेगा, आपका प्यार भी बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता हो सकती है। करियर, बिजनेस में अच्छी ग्राहकी हो सकती है, कार्यस्थल पर भी सुखद वातावरण बन सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, एसिडिटी और पेट दर्द भी हो सकता है, भोजन कम करें। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। आपके लिए दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की कोशिश में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज दोस्तों की मदद से ही आपके काम पूरे हो जाएंगे। अपने व्यवहार में लचीलापन रखें, थोड़ा आराम करना चाहेंगे। आज आप मेहनत के कामों में पड़ने के बजाय पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। धैर्य और शांति से काम लें। तनावपूर्ण स्थिति से खुद को दूर करने की कोशिश करें। करियर में प्रगति या नौकरी में बदलाव की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। मकान दुकान पर धन लाभ होगा। हर काम को दिल खोलकर करें, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। नेगेटिव, जीवन साथी से कुछ अनबन भी होने के योग हैं। कुछ लोग आपके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका जिद्दी स्वभाव समस्याएं बढ़ा सकता है। रोजमर्रा के कामकाज में विवाद होने के योग हैं। जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन हो सकती है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी गलत होने के योग हैं। क्या करें, पानी में पीले फूल डालकर नहाएं। लव लाइफ, परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। आपके व्यवहार से पार्टनर का मिजाज बदल सकता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने के योग हैं। करियर, बिजनेसमैन फायदेमंद सौदा होने के कारण है। नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, सफलता मिलेगी। हेल्थ, सेहत में पहले से ज़्यादा सुधार होने के योग हैं। मानसिक शांति भी मिल सकती है। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? डेली रूटीन में अच्छा खासा बदलाव होने के योग हैं। ईमानदारी से काम करते रहें, धैर्य और शांति रखें तो सब सामान्य हो जाएगा। समय के साथ चलें, अधिकारियों से बात होगी। खर्चे कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी होंगे। परिवार में किसी के साथ पहले कोई विवाद हुआ था तो वह निपट जाएगा। संबंधों की मधुरता बढ़ाने में सफल रहेंगे। बिना मांगे कोई आपकी मदद कर सकता है। नेगेटिव, कल पर कोई काम न टालें। कोई काम आप दूसरों पर बिल्कुल भी ना छोड़ें। गोचर कुंडली के 12वें भाग का चंद्रमा आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। कोई व्यक्ति आपको गलत दिशा में बढ़ने, गलत काम करवाने के लिए भी उकसा सकता है, सावधान रहें। घर या आसपास का माहौल भी आपको परेशान कर सकता है। कुछ बातों को लेकर मानसिक या शारीरिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। क्या करें, गणेश जी को गुड़ और दुर्वा चढ़ाएं। लव लाइफ, प्रेम में सफलता मिलने के योग हैं। प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा होगा। करियर, कारोबार में फायदा होने के योग हैं। नए सौदे हो सकते हैं, लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ, नींद की कमी और थकान भी महसूस होगी। मकर राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ज्यादा समय लग सकता है। जिम्मेदारी वाले काम भी आपको निपटाने पड़ेंगे। जो काम आप खुद की इच्छा से करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उससे बड़ा फायदा आपको हो सकता है।
जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव होने के योग हैं। आज लिए गए फैसलों का फायदा आने वाले दिनों में आपको होगा। आप जितने ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा धन लाभ होने के योग हैं। निजी संबंधों के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार करने और करियर की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के मौके मिलेंगे। आप खुद को कम न समझे, कड़ी मेहनत से मकर राशि वालों को अच्छी सफलता मिल सकती है। वही काम हाथ में लें जो आप कर सकते हैं। नेगेटिव, वैचारिक तौर पर व्यस्त रहेंगे। कुछ लोग आपके व्यवहार का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। आज आपको सावधान रहना होगा। आप बिना सोचे समझे खर्चा ना करें, आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आलस्य रहेगा, विवादों से बचकर चलें। धन हानि की संभावना है, आपको दिन भर संभल कर चलना होगा। क्या करें, माता जी के मंदिर में इत्र दान करें। लव लाइफ, पार्टनर के लिए भी दिन अच्छा होगा, कोई अधूरी इच्छा भी पूरी हो सकती है। करियर, बिजनेस बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता भी अच्छी मिलेगी। हेल्थ, आपकी सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति मिलने के योग हैं। कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? आपका ध्यान खुद पर रहेगा, संबंधों को लेकर चल रही समस्या खत्म होने के योग हैं। आज आपको फायदा भी हो सकता है, पूरे दिन सक्रिय रहना होगा। गोचर कुंडली के दसवें भाग का चंद्रमा आपके लिए खास होगा, आपके मन में बहुत तेजी से विचार आते रहेंगे। पैसों की स्थिति पर भी आपको ध्यान देना होगा। ऑफिस में अपने या दूसरों के कामकाज पर समीक्षा करेंगे, यात्रा का कार्यक्रम भी आज बनेगा। नेगेटिव, जरूरत से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। आप कम से कम बोलने का फैसला करके घर से निकलें, कोई भी बात बहुत नापतोल कर ही कहें, कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। किसी और की गलती का लांछन भी आप पर लग सकता है, यात्रा और खर्चे की स्थिति बनेगी। बिजनेस नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना करें, उधार दिया पैसा वसूलने की कोशिश नाकाम होगी। क्या करें, लाल कपड़े में गेहूं और अलग से सिंदूर लेकर हनुमान मंदिर में दान करें। लव लाइफ, पार्टनर की भावना का सम्मान करें, आपका पार्टनर भावुक हो सकता है। करियर, बिजनेस के फैसले सोच समझ कर लें, आप झूठ बोलेंगे तो परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। हेल्थ, सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन दिन भर दौड़ धूप से थकान हो सकती है। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा आज आपका दिन? इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें काम मिल सकता है, कामकाज में व्यस्तता हो सकती है। कामकाज का माहौल, परिस्थितियों और लोग सब आपके लिए मददगार साबित होंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान भी मिलने की संभावना बन रही है। इस राशि के परेशान लोगों को राहत भी महसूस होगी, कई लोगों की निगाहें आप पर होंगी, लिहाजा अपने काम और बोलने के तरीकों पर ध्यान दें। कठिनाई के बावजूद आपकी कोशिश सकारात्मक होगी, अपनी कोशिशों का परिणाम जानने के लिए आप बेचैन भी हो सकते हैं। नेगेटिव, तुरंत कोई कदम ना उठाएं, किसी दोस्त प्रेमी या रिश्तेदार की सेहत को लेकर भी अचानक चिंता हो सकती है। जोश में आकर कोई खरीदारी या सौदा करने से बचे, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें। खुद को बढ़ा चढ़ाकर जताना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, हर काम सावधानी से करें वरना परेशानी में फंस सकते हैं। क्या करें, किसी ब्राह्मण या बूढ़े व्यक्ति को फल खिलाएं। लव लाइफ, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लव लाइफ में परेशानियों और टकराव की स्थिति बन सकती है, पार्टनर पर अपनी भावनाएं थोपने से बचें। करियर, बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, सिर के रोग से परेशान हो सकते हैं, पेट खराब होने के योग हैं, सावधान रहें।